हे गेमर्स, तो कैसे हो भाई लोग? क्या हाल आप सबके? आई होप आप सब मस्त होंगे। तो गाइज, आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ बेसिक सेटिंग्स के बारे में, किस सेटिंग को आपको ऑफ रखना चाहिए, किस सेटिंग को ऑन रखना चाहिए। कंप्लीट पूरी तरह से एक्सप्लेन करने वाला हूँ किस किस सेटिंग से क्या क्या होता है। तो वीडियो को एंड तक देखते रहना, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। अगर आप इस वीडियो को देख लेते हो तो भाई आपको दोबारा और किसी वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कंप्लीट आपको सभी सेटिंग्स के बारे में पता चल जाएगा। तो वीडियो को एंड तक देखते रहना, एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू सो मच गाइस, अपडेट स्टार्ट करते हैं। तो यहां पे आप लोग देख सकते हो कि सबसे पहली सेटिंग है फायर सेटिंग। इसमें आपको मिल जाता है डिस्प्ले लेफ्ट साइड फायर बटन। अब इसको ऑलवेज ऑन आपको रखना है, कभी भी इसको क्लोज मत करना, स्कोप ओपन मत करना। अगर आपके में जो लेफ्ट साइड वाला फायर बटन है ये नहीं दिखता है, इसका मतलब वो क्लोज पे सेट है। ठीक है, जहां पे आप लोग देख सकते हैं एरो दिखा रहा है, ये अगर नहीं दिख रहा है आपके में, इसका मतलब ये क्लोज पे सेट है। आपको इसको ऑलवेज ऑन कर देना है। ऑलवेज ऑन कर दोगे ये दिखने लगेगा और वर्क भी करेगा। और अगर आप लोग इसको स्कोप ओपन पे कर दोगे तो ये दिखेगा नहीं, ऐसे तो नहीं दिखेगा, लेकिन अगर आप लोग स्कोप को ओपन करते हो तो ये दिखने लगेगा। ठीक है, और वर्क भी करेगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, स्कोप हटाते ही नहीं दिख रहा है, स्कोप ओपन करते ही दिख रहा है। तो यही है वो वाली सेटिंग। उसके बाद आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि आपको मिल जाता है बोल्ट एक्शन राइफल क्रॉसबो फायरिंग मोड। तो इसमें आपको दोनों चीजें वर्क करती है, बोल्ट एक्शन और क्रॉसबो में भी वर्क करेगा। तो यहाँ पे टैप पे सेट है, जैसे कि आप लोग देख सकते हो कि मैं स्नाइपर यूज करता हूँ, तो जैसे मैंने स्कोपिंग किया उसके बाद फायर कर दिया, और यहाँ पे स्कोपिंग पे मुझे क्लिक करना पड़ रहा है, फायर पे भी क्लिक करना पड़ रहा है। दोनों चीजें काम करनी पड़ रही है, दोनों फिंगर मुझे टच करनी पड़ रही है। लेकिन यहाँ पे आप लोग अगर स्कोप ओपन करे बिना फायर करना चाहते हो स्नाइपर से, तो एक बार क्लिक करोगे फायर हो जाएगा। और अगर आप लोग इसको रिलीज पे सेट कर देते हो तो क्या होगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे जैसे फायर वाले पे क्लिक किया, आप लोग देख सकते हो फायर भी नहीं हुआ, स्कोप ओपन पे क्लिक भी नहीं किया, स्कोप ओपन हो गया ऑटोमेटिकली। और यहाँ पे स्टॉप फायरिंग का एक ऑप्शन आ रहा है, जो कि फायर बटन था वहां पे स्टॉप फायरिंग आ रहा है। और राइट में आप लोग देख सकते हो अभी तक फिंगर मैंने नहीं हटाया, जैसे ही हटाऊंगा ऑटोमेटिक फायर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको कभी भी इसको रिलीज पे नहीं रखना है, हमेशा टैप पे रखना। और यही सेम चीज शॉटगन फायरिंग मोड में भी है, इसको आप भी टैप पे रखना, कभी भी रिलीज मत करना, सेम चीज हो जाएगी। जैसे अगर आप लोग रिलीज कर देते हो तो जैसे ही आप लोग शॉटगन को यूज करोगे तो आपका जो स्कोप है वो ओपन हो जाएगा, और जब तक आप लोग फिंगर को नहीं हटाओगे फायर वाले बटन से तब तक फायर नहीं होगा। तो इसको हमेशा टैप पे रखना। तो ये आपकी फायर सेटिंग हो जाती है। उसके बाद आती है स्कोप सेटिंग। स्कोप सेटिंग में आपको पांच सेटिंग्स देखने को मिल जाती हैं। सबसे पहली सेटिंग है स्कोप मोड। स्कोप मोड में आप लोग देख सकते हो कि मैंने मिक्स पे रखा हुआ है, आप लोग भी मिक्स पे रखें, बहुत ही अच्छी सेटिंग है। अगर आप लोग होल्ड करते हैं, टैप करते हैं तो क्या होगा वो मैं आपको बताऊंगा, उसके बाद मिक्स के बारे में बताऊंगा मिक्स पे रखने पर क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे टैप पे कर देता हूँ। पहले मैं टैप पे करने पर क्या आप लोग देख सकते हैं, जैसे मैं स्कोप को ओपन कर रहा हूँ तो मैंने फिंगर हटा दिया, स्कोप ओपन है। ठीक है, और जैसे मुझे स्कोप को बंद करना होगा तो मुझे दोबारा से स्कोप पे क्लिक करना होगा। ये आप लोग यूज करते होंगे, ऐसे ही होता होगा। तो आप लोग इसको होल्ड पे कर दोगे, क्या होगा मैं आपको दिखाता हूं। होल्ड पे करने के बाद आप लोग जैसे स्कोप पे क्लिक करोगे, और अगर आप लोग फिंगर को वहां पे रोक के नहीं रखोगे तो जो स्कोप है वो हट जाएगा। तो ये होता है होल्ड, मतलब कि एक चीज को रोकना। तो यहां पे आप लोग देख सकते हो मैंने इस पे क्लिक किया, जब तक मैं फिंगर को नहीं हटा रहा हूं स्कोप बंद नहीं हो रहा है। जैसे मैंने फिंगर को हटाया स्कोप बंद हो गया। तो आप लोग होल्ड भी रख सकते हो, लेकिन जो मिक्स है वो बेस्ट है। मिक्स में क्या होता है कि आप लोग स्कोप को ओपन करोगे, जैसे कि आप लोग देख सकते हो मैंने होल्ड वाली सेटिंग अभी यूज कर रहा हूं। ठीक है, मिक्स के अंदर यहां पे मैंने फिंगर जैसे हटाऊंगा बंद हो जाएगा। ठीक है, मैंने अभी मिक्स रखा हुआ है, लेकिन अभी ये जो सेटिंग है वो होल्ड वाली वर्क कर रही है इसमें। लेकिन अगर मैं चाहूं तो इसी में ही टैप वाली सेटिंग भी यूज कर सकता हूं। जैसे कि मैंने स्कोप पे क्लिक कर दिया और फिंगर को हटा दिया। ठीक है, आपको तुरंत ही क्लिक करने के बाद ही आपको फिंगर को हटा देना है। तुरंत अगर आप लोग फिंगर को हटा दोगे तो टैप वाली सेटिंग वर्क करेगी, और अगर आप लोग थोड़ी सी भी दबा के रखोगे 0.3 सेकंड भी, तो ये होल्ड वाली सेटिंग वर्क करने लगेगी। ठीक है, तो आपको 0.3 सेकंड पहले अगर आपको टैप वाली सेटिंग यूज करनी है, जैसे कि स्नाइपर यूज करनी है, तो आपको क्लिक करके हटा देना है फिंगर को तुरंत 0.3 सेकंड से पहले। और अगर आपको यहां पे करनी है होल्ड वाली सेटिंग तो आपको 0.3 सेकंड के लिए दबा देना है स्कोप पे, और यहां पे होल्ड वाली सेटिंग वर्क करेगी। तो आप लोगों को समझ में आ गया क्या होती है मिक्स वाली सेटिंग। मिक्स वाली सेटिंग में दोनों चीजें काम करती हैं, टैप एंड होल्ड। ठीक है, को समझना थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉब्लम करता है, मुझे पता है स्कोप मोड वाली जो सेटिंग है मिक्स वाली थोड़ा सा समझ में नहीं आता है, लेकिन जब आप लोग यूज करोगे तो ऑटोमेटिकली आपकी समझ में आ जाएगा। मिक्स वाला यूज करके देखना। उसके बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कैमरा रोटेशन वाइल ADS, तो ये मेरा इनेबल है। इनेबल ही आपको हमेशा रखना है अगर आप लोग जायरो प्लेयर नहीं हो। अगर आप लोग जायरो प्लेयर हो तो आप लोग डिसेबल भी कर सकते हो। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो मैंने स्कोप ओपन किया, उसके बाद मैं फिंगर से इधर उधर कर रहा हूँ, मैं जायरो यूज ही नहीं कर रहा हूँ, मैं फिंगर से इधर उधर कर रहा हूं, फायर करते समय भी एम ले रहा हूं। जैसे कि आप लोग रिकॉइल कंट्रोल करते होगे तो आप लोग ऐसे ही करते होगे। अगर आप लोग जायरो प्लेयर नहीं हो तो आप लोग स्कोप ओपन करते होगे, उसके बाद जो फिंगर है उसको धीरे धीरे नीचे ले जाता होगे, फायर जो रिकॉइल कंट्रोल है वो हो जाता होगा।
लेकिन अगर हम इसको कर देते हैं डिसेबल, डिसेबल करने के बाद क्या होगा मैं आपको दिखाता हूँ। स्कोप ओपन किया, उसके बाद जो स्कोप है मैं इधर उधर कर रहा हूँ लेकिन हो ही नहीं रहा है, जैसे कि आप लोग देख सकते हो, और फायर करने पर भी नहीं हो रहा है, ऊपर चला जा रहा है, ठीक है। जैसे कि आप लोग देख सकते हो बिल्कुल ऊपर चला जाएगा, रिकॉइल कंट्रोल ही नहीं होगा। तो अगर आपके में ये प्रॉब्लम आ रही है तो इसको इनेबल कर देना, आपका जो स्कोप है वो आप लोग एम ले पाओगे ओपन करने के बाद और रिकॉइल भी कंट्रोल कर पाओगे। इसके बाद यहाँ आप देख लेते हैं क्विक स्कोप स्विच, तो यहाँ पे जो क्विक स्कोप स्विच है इसको हमेशा इनेबल रखना। इनेबल रखने पर क्या होगा वो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपको दिख जाता है सक्सेस, राइट मैं आप लोग देख सकते हो यहाँ पे सक्सेस दिख रहा है, मैं तुरंत ही यहाँ पे रेड डॉट भी लगा सकता हूँ और यहाँ पे तुरंत ही मैं यहाँ पे स्विच करके सक्सेस भी लगा सकता हूँ। लेकिन अगर मैं इसको डिसेबल कर देता हूँ तो डिसेबल करने के बाद वो वाला ऑप्शन ही गायब हो जाएगा, ठीक है, जो कि क्विक स्कोप स्विच वाला है वो ऑप्शन गायब हो जाएगा और यहाँ से मुझे स्विच करना पड़ेगा, ठीक है, मुझे यहाँ से रेड डॉट लगाना पड़ेगा बैग ओपन करके। तो हमेशा उसको इनेबल रखना, आप लोग फटाक से यहाँ पे स्कोप ओपन कर पाओगे, कोई भी स्कोप आप लोग यहाँ से स्विच कर पाओगे। उसके बाद आती है यहाँ पे कैंडिड साइड बटन, ये बहुत ही घटिया चीज़ है, इसको आप लोग यूज़ ही ना करो तो सबसे बेस्ट है, मुझे लगता है 99% लोग यूज नहीं करते होंगे। आप लोग यूज करते हो या फिर नहीं कमेंट करके जरूर बताना। तो आप लोग देख सकते हैं ये सेट है टैप टू स्विच पे, टैप टू स्विच पे क्या होगा आप लोग देख सकते हो मेरे M4 में यहाँ पे कैंडिड साइड बटन लगा हुआ है, तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे मेन लिखा हुआ है एंड उसके बाद स्लाइड पे कर देंगे तो स्लाइड हो जाएगा। स्लाइड पे क्या होगा स्कोप ओपन करने पे जो कैंडिड साइड बटन है वो ओपन हो जाएगा और यहाँ पे अगर हम लोग इसको मेन पे कर देते हैं तो स्कोप ओपन होगा सक्सेस वाला, ठीक है। तो हम लोग अगर इसको फिर से स्लाइड पे कर देंगे फिर से वो कैंडिड साइड बटन ओपन होगा। तो इसको कभी भी आप लोग टैप टू स्विच पे मत यूज करना, हमेशा टैप टू यूज पे स्विच करना। टैप टू यूज पे क्या होगा मैं आपको दिखाता हूं, अभी स्कोप पे क्लिक करूंगा तो सक्सेस ओपन होगा और अगर मैं यहां पे जहां पे रेड डॉट दिखा रहा है, ठीक है, इस पे डायरेक्ट क्लिक करूंगा कैंडिड साइट ओपन हो जाएगा। दो स्कोप आपको कंट्रोल के ऑप्शन मिल जाते हैं जिसमें आप लोग डायरेक्टली कैंडिड साइट ओपन कर सकते हो और यहां पे सक्सेस भी ओपन कर सकते हो, दो आपको स्कोप मोड यहां से मिल जाते हैं। तो आप लोग इसको हमेशा टैप टू यूज करना अगर यूज करना चाहते हो। और इसके बाद आती है फोकल लेंथ एडजस्टमेंट, यहां पे टैप और होल्ड के ऑप्शन मिल जाता है आपको, ये अभी न्यू सेटिंग है, इस सेटिंग को आपको हमेशा टैप पे रखना है, कभी भी होल्ड मत करना, होल्ड करने के बाद बहुत प्रॉब्लम होती है, मैंने यूज करके देखा है। आप लोग इसको हमेशा टैप पे रखना है, टैप पे रखने पे क्या होगा मैं आपको दिखा देता हूँ। जब आप लोग टैप पे रखते हो स्कोप ओपन करने के बाद अगर आपके पास सक्सेस है 8x है तो आप लोग उसको छोटा करते हो तो यहाँ पे मेरा देख सकते हो आप लोग सक्सेस 3x में कन्वर्ट है और मैं इसको सक्सेस करना चाहूँ तो सक्सेस करने के बाद यहाँ पे कट कर सकता हूँ। यहाँ पे कट करने के बाद आप लोग देख सकते हो छोटा बड़ा आराम से हो गया, फिर से छोटा करके कट कर दिया, बहुत ही ईजिली हो गया जैसे कि अभी तक होता था। लेकिन 1.5 या फिर 1.6 के अपडेट में वाली सेटिंग ऐड हुई थी, किस सेटिंग में किस अपडेट में ऐड हुई थी ये तो मुझे नहीं ध्यान है, लेकिन यहाँ पे ये ऐड हुई थी। ऐड होने के बाद यहाँ पे होल्ड पे गलती से भी अगर हो जाता है आपका तो क्या होगा मैं आपको दिखा देता हूँ। स्कोप ओपन हुआ, उसके बाद अगर आपको इसको छोटा करना है या फिर बड़ा करना है तो आप लोग इस पर जैसे ही क्लिक करोगे और जैसे ही फिंगर को हटा लोगे गलती से तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली वो बंद हो जाएगा, ठीक है। तो आपको हमेशा इस पर क्लिक करके रखना होगा, उसके बाद ऊपर करोगे छोटा बड़ा कर सकते हो, उसके बाद अगर आप इसको कट करो या फिर ना करो आप फिंगर जैसे ही हटाओगे स्क्रीन से तो वो ऑटोमेटिकली कट हो जाएगा। जैसे कि आप लोग देखा अभी तक मैंने फिंगर रखा हुआ है, ये देखिए फिंगर को रखा, उसके बाद छोटा कर लिया बड़ा कर लिया, ठीक है, उसके बाद फिंगर जैसे ही हटाऊंगा कट हो जाएगा। तो हमेशा उसको टैप पे रखना, इजीली आप लोग यूज कर पाओगे। तो मैं टैप पे यूज करता हूं, आप लोग भी टैप पे यूज कर सकते हो। उसके बाद आती है पीक वाली सेटिंग, तो पीक वाली सेटिंग बहुत ही सिंपल है, जैसे कि स्कोप वाली सेटिंग थी वैसे पीक वाली है। तो यहां पे मेरा इनेबल है तो पीक दिख रहे हैं, ठीक है, ये पीक वाले ऑप्शन दिख रहे हैं, ये दोनों के दोनों। अगर ये डिसेबल हो जाएगी ये वाली सेटिंग तो जो पीक वाले ऑप्शन है वो गायब हो जाएंगे, पीक वाले जो दोनों थे वो ऑप्शन ही गायब हो गए, दिख ही नहीं रहे। तो हमेशा इनेबल रखना, पीक वाले ऑप्शन दिखेंगे आपके में और इनेबल करने के बाद आपको इसकी सेटिंग भी दिखेंगी, डिसेबल रहेगा इसकी सेटिंग नहीं दिखेंगी। तो यहाँ पे इनेबल करते ही आप लोग देख सकते हो पीक वाले ऑप्शन दिखने लगे। एंड इसके बाद देते हैं इसमें 3-4 सेटिंग्स है, जैसे कि आप लोग देख सकते हो लीन मोड, पीक एंड ओपन स्कोप, कैमरा रोटेशन वाइल लीनिंग, ठीक है। तो यहाँ पे लीन मोड पहले देख लेते हो, तो मिक्स पे सेट है, टैप और होल्ड वही चीज आ जाती है। जैसे कि मिक्स पे सेट है तो मैं इसको टैप पे कर देता हूँ, पहले टैप पे ही समझ में आएगा। टैप किया तो जब मैं पीक पे क्लिक कर रहा हूँ आप लोग देख सकते हैं ओपन हुआ जा रहा है स्कोप और अभी तक होल्ड है, अभी तक होल्ड है। लेकिन मैं इसको अगर कर देता हूँ होल्ड पे, होल्ड पे करने के बाद जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा वो ऑटोमेटिकली देखिए बंद हुआ जा रहा है। लेकिन मैं जैसे ही स्क्रीन पे क्लिक करके रखूंगा स्कोप ओपन है, पीक भी है, ठीक है। और जैसे फिंगर फिर से हटाऊंगा वही स्कोप वाली सेटिंग है, होल्ड हमेशा रखना, होल्ड या फिर मिक्स। तो अगर आप लोग मिक्स यूज कर लोगे तो दोनों चीजें इसमें वर्क करेंगी। अगर आप लोग 0.3 सेकंड से पहले फिंगर को हटा लोगे तो आपका होल्ड वाली सेटिंग वर्क नहीं करेगी, टैप वाली करेगी। और अगर आप लोग 0.3 सेटिंग के लिए अगर आप लोग होल्ड कर लोगे फिंगर को तो आपकी जो होल्ड वाली सेटिंग थी वो वर्क करने लगेगी। तो ये मिक्स वाली सेटिंग जब आप लोग यूज करोगे तभी आपको समझ में आएगा, ऐसे समझ में नहीं आएगा, जब आप लोग खुद ही यूज करोगे तो आपके समझ में आ जाएगा। उसके बाद आती है पीक एंड ओपन स्कोप सेटिंग, तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे डिसेबल है। डिसेबल पे क्या होता है मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे कि मैं पीक पे क्लिक कर रहा हूँ तो स्कोप भी ओपन नहीं हो रहा है, ठीक है।
है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मैं पिक कर रहा हूँ, स्कोप ओपन नहीं हो रहा है, लेकिन मैं इसको कर देता हूँ यहाँ पे इनेबल, तो जैसे मैं पिक करूंगा तुरंत स्कोप ओपन हो जाएगा। तो यही चीज़ है, पिक करते ही आपका जो स्कोप है वो ओपन हो जाएगा। तो आप लोग इसको इनेबल डिसेबल कर सकते हो, मेरा हमेशा इनेबल रखता है, आप लोग भी इनेबल पे यूज कर सकते हो। उसके बाद आप लोग लास्ट सेटिंग देख सकते हैं बेसिक कंट्रोल में, जिसका नाम है कैमरा रोटेशन वायलेटिंग पीक सेटिंग में, जिसमें आप लोग देख सकते हैं इनेबल है मेरा। अगर आप लोग इसको डिसेबल करोगे तो क्या प्रॉब्लम होगी, इनेबल करने पे क्या आपको एडवांटेज मिल सकता है, वो मैं आपको दिखाता हूं। तो मेरा आप लोग देख सकते हैं मैंने पीक किया, पीक करने के बाद बंदा राइट में है जहाँ पे पेड़ है, तो मैं राइट में एम ले जा सकता हूँ फिंगर से। मैं जैरो प्लेयर नहीं हूँ तो मैं फिंगर से ले जा सकता हूँ, जैसे कि लेफ्ट भी ले जा सकता हूँ, राइट भी ले जा सकता हूँ, क्योंकि वहाँ पे इनेबल है। लेकिन अगर मैं कर देता हूँ इसको डिसेबल, डिसेबल करने के बाद मैंने पीक किया, पिक करने के बाद मैं फिंगर इधर उधर कर रहा हूँ, आप लोग देख सकते हैं मैं स्क्रीन पे फिंगर को इधर उधर कर रहा हूँ, लेकिन एम अपनी जगह से नहीं हट रहा है, ठीक है। तो आप लोग हमेशा उसको इनेबल रखना, नहीं तो आपको बहुत प्रॉब्लम होगी, एम जाएगा ही नहीं इधर उधर, अगर आप लोग जायरो प्लेयर नहीं हो। जायरो प्लेयर तो आप लोग जायरो से वर्क कर सकते हो, ठीक है, जायरो से यूज करके आप लोग एम इधर उधर कर सकते हो, लेकिन अगर आप लोग जायरो प्लेयर नहीं हो तो आपका जो एम है वो एक ही जगह पर रहेगा, राइट एंड लेफ्ट साइड नहीं जाएगा, ठीक है, और ऊपर नीचे भी नहीं होगा। तो आप लोग हमेशा इसको इनेबल ही रखना, डिसेबल मत करना। तो गाइस ये आपके बेसिक कंट्रोल थे। इसके बाद एडवांस कंट्रोल में चलते हैं और देखते हैं कौन कौन से कंट्रोल्स ऐड हुए हैं और कौन से कंट्रोल से क्या होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले फीचर्स दिख जाते हैं, उसके बाद यहाँ पे असिस्ट करके फीचर है, उसके बाद जैरोस्कोप एम सेटिंग, ठीक है। तो यही सेटिंग्स है यहाँ पे। यूनिवर्सल मार्क हमेशा इनेबल रखना। यूनिवर्सल मार्क क्या होता है मैं आपको दिखा देता हूँ, ये है, ठीक है, ये आपका यूनिवर्सल मार्क है। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे मुझे अटैक वाला मार्क करना है, कर सकता हूँ, एंड इसके बाद मुझे करना है ये, करना है ये, कर सकता हूँ, और या फिर मुझे एमओ मांगनी है तो मैं कर सकता हूँ आई नीड एमओ। जो भी गन आपने हाथ में पकड़ी होगी उसी की एमओ या बताएगा, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं 5 की मैंने पकड़ी हुई है तो 5 की बता रहा है, या फिर मैं यहाँ पे M24 पकड़ लेता हूँ तो M24 के बारे में बताएगा, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ डिसेबल, डिसेबल करने के बाद ये मार्क वाला ऑप्शन ही चला गया यहाँ से। तो ये वाला आपको हमेशा इनेबल रखना है, नहीं तो वो मार्क वाला ऑप्शन चला जाएगा और आप लोग एनिमीज भी हेड नहीं कर पाओगे और आप लोग किसी को बता भी नहीं पाओगे कि आपके पास एमओ चाहिए आपको या फिर असेंबल होना है या फिर अटैक करना है, क्या करना है आप लोग नहीं बता पाओगे, ठीक है। तो हमेशा इसको इनेबल रखना। उसके बाद हेडशॉट साउंड इफेक्ट, इसके बारे में आपको पता ही है कि आप लोग जब किसी को मारते हो हेडशॉट तो उसको एक अलग साउंड आता है, टन से होता है तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो हमेशा इसको इनेबल रखना, टन टन करके आवाज आती है, आपको पता चल जाता है कि हेडशॉट पड़ा है या फिर बॉडी शॉट पड़ रहे हैं, तो आप लोग इसको इनेबल रख सकते हो। उसके बाद जंप एंड क्लेम, बहुत ही घटिया सेटिंग है, हमेशा डिसेबल रखना, कभी भी इनेबल मत करना। ये मैं क्यों बोल रहा हूं मैं आपको दिखा देता हूं। तो यहां पे डिसेबल है अभी, यहां पे जो जंप वाला ऑप्शन है एक ही दिख रहा है, तो इससे मैं जंप भी कर पा रहा हूं, अगर मुझे नॉर्मली जंप करना है तो ऐसे जंप भी कर पा रहा हूं, अगर क्लिम करना है तो मैं इसके उस पार भी जा सकता हूं और इसके ऊपर भी चढ़ सकता हूं, ठीक है। तो दोनों चीजें एक ही में वर्क कर रही है सिर्फ एक सेटिंग में, लेकिन अगर मैं इसको कर देता हूं डिसेबल से इनेबल, इनेबल करते ही क्या होगा मैं आपको दिखाता हूं। इनेबल कर दिया, अब यहां पे दो सेटिंग दिख रही है, एक तो जंप वाली, यहां पे देखिए इसके पास आया मैं फिर भी जंप कर रहा है, ठीक है, उसके ऊपर नहीं चढ़ रहा है, सिर्फ जंप करना है। अगर मुझे चढ़ना है इसके ऊपर या फिर इसके उस पार जाना है तो उसके नीचे एक सेटिंग दिख रही है जो कि क्लिम की, अगर मैं इस पे क्लिक करूंगा तब चढ़ेगा, तभी उस पार जाएगा। तो ये दो सेटिंग में कन्वर्ट हो जाता है, तो हमेशा इसको डिसेबल रखना, एक ही कंट्रोल से आप लोग दोनों काम कर पाओगे। डिसेबल करने के बाद दोनों चीजें इसी से वर्क करेंगे, ठीक है, तो हमेशा डिसेबल ही रखना, कभी भी इनेबल मत करना। उसके बाद मर्चिंग क्राउच एंड लेइंग प्रोन, इसके बारे में तो बहुत सारे लोग पूछ भी चुके हैं, मैं बता भी चुका हूं, तब भी बहुत सारे लोगों के कमेंट आते हैं। तो ये आप लोग देख सकते हो मेरा डिसेबल है, इनेबल करने पे क्या होगा, डिसेबल करने पे क्या होगा ये मैं आपको दिखा देता हूं। तो अभी डिसेबल है, डिसेबल पे आप लोग देख सकते हो जो प्रोन वाला है ऑप्शन शो हो रहा है नीचे सबसे, यहाँ पे प्रोन वाला ऑप्शन शो हो रहा है और मैं यहाँ पे क्राउच कर रहा हूं तो कुछ भी नहीं हो रहा, क्राउच पे मैंने दबा के रखा है, सिर्फ क्राउच है, लेट नहीं रहा है। लेकिन मैं अगर इसको कर देता हूं यहाँ पे इनेबल, इनेबल करने के बाद जो प्रोन वाला ऑप्शन था गायब हो चुका है नीचे से, कहीं पे भी दिख नहीं रहा है। तो अगर आपके में प्रोन वाला ऑप्शन नहीं शो हो रहा है तो यहीं से शो होगा, आप लोग हमेशा उसको इनेबल से डिसेबल कर देना, यहाँ पे आपका इनेबल होगा उसको डिसेबल कर देना, आपका जो प्रोन वाला ऑप्शन है वो शो होने लगेगा। अभी आप लोग देख सकते हो प्रोन वाला ऑप्शन शो नहीं हो रहा है और यहाँ पे मैं क्राउच कर रहा हूं तो क्राउच तो हो रहा है, उसके साथ साथ अगर मैं क्राउच पे थोड़ी देर के लिए प्रेस करके रखूंगा तो यहाँ पे लेट भी जा रहा है, मतलब कि जो प्रोन वाली सेटिंग थी वो क्राउच में ऐड कर दी गई, क्राउच वाले बटन में। आप लोग जैसे उसको थोड़ी देर दबा के रखोगे तो आपका जो कैरेक्टर है वो ऑटोमेटिकली लेट जाएगा, आपको प्रोन वाली सेटिंग पे दबाना नहीं पड़ेगा। तो इसको आप लोग डिसेबल कर देना, आपकी जो प्रोन वाली सेटिंग है वो ऑन हो जाएगी, जैसे कि आप लोग देख सकते हो मैंने इनेबल किया तो प्रोन वाली जो सेटिंग है वो दिख रही है। तो आप लोग इसको इनेबल से डिसेबल कर सकते हो अगर आपके में इनेबल है। उसके बाद क्विक थ्रो, हमेशा इसको डिसेबल रखना। आप लोग देख सकते हो जो मेरी सेटिंग है, आप लोग अगर ये वाली सेटिंग यूज करोगे तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। ये मैं क्यों बोल रहा हूं ये मैं आपको बता भी चुका हूं, बहुत सारी सेटिंग के बारे में आपको समझ में आ चुका होगा कि इन सेटिंग से क्या होता है। तो हमेशा इसको डिसेबल रखना, क्विक थ्रो को इनेबल मत करना, क्विक थ्रो को डिसेबल
से इनेबल करने पे क्या होता है मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर आप उसको इनेबल कर दोगे तो जैसे ही आप लोग मान लीजिए नेड है मेरे हाथ में, ठीक है, अभी यहाँ पे नेड है, मैं जैसे नेड पे क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली जो नेड है वो कुक हुआ जा रहा है, ठीक है। नेट तुरंत ही फेंक देगा, मुझे फायर वाले पे क्लिक भी नहीं करना पड़ेगा, नेट ऑटोमेटिकली फेंक देगा। तो ये चीज हो जाती है यहाँ पे ऑन करने पर। इसको अगर मैं इसको कर देता हूँ डिसेबल, तो डिसेबल करने पे क्या होगा, डिसेबल करने के बाद जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगा, जैसे कि मान लीजिए इस पे क्लिक किया, तो देखिए कुछ भी कुक नहीं हो रहा है जब तक मैं फायर वाले पे क्लिक नहीं करूंगा, ठीक है। तो वो ऑटोमेटिकली कुक हो जाता है वहां पे, जैसे कि मैं आपको दिखा भी देता हूँ, यहाँ पे इन्होंने छोटा सा एक ऐड किया, यहाँ पे ट्रेलर है इसका, तो आप लोग देखते हो जैसे इस पे क्लिक कर रहा है वो नेड ऑटोमेटिकली कुक हुआ जा रहा है। तो कभी भी इसको आप लोग इनेबल मत करना, हमेशा डिसेबल रखना क्विक थ्रो वाली फीचर को। उसके बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हो थ्रोबल क्विक व्हील, अब यहाँ पे इस पे भी क्लिक करते हैं और दिखा देता हूँ मैं आपको, जैसे कि आप लोग यहाँ पे स्विच कर लेते हो, स्विच करते भी तो यहाँ पे कुक हो जाएगा। जैसे कि मैं यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ, ये अभी यहाँ पे आप लोग देख सकते हो स्विच पे सेट है, इसको अगर आप लोग थ्रो पे कर दोगे तो थ्रो हो जाएगा, मतलब कि फिर से कुक हो जाएगा नेट। अगर यहाँ पे स्विच पे करोगे तो सिर्फ स्विच होगा, जैसे कि मुझे यहाँ पे स्विच करना है मॉली में, तो मैं इस पे क्लिक किया, उसके बाद मॉली सेलेक्ट कर लिया और मॉली हाथ में आ गई, लेकिन यहाँ पे थ्रो नहीं हुई है। और यहाँ पे फिर से मुझे स्मोक लेना है तो स्मोक भी ले सकता हूँ, लेकिन अगर मैं उसको थ्रो पे सेट कर देता हूँ, तो यहाँ पे स्विच पे सेट है, इसको थ्रो पे सेट करते हैं। थ्रो पे क्या होगा मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे जैसे मैं सेलेक्ट करूंगा कोई भी चीज़ वो ऑटोमेटिकली थ्रो कर देगा, ये देखिए, ठीक है, वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे कुक कर देगा, जैसे कि मॉली सेलेक्ट कर लिया, और जैसे मैं फिंगर को हटाऊंगा तुरंत फेंक देगा। तो ये चीज़ हो जाती है इसके साथ, अगर आप लोग थ्रो पे सेट कर दोगे तो वो थ्रो कर देगा और स्विच के साथ साथ ही कर देगा। जैसे कि यहाँ पे मॉली हाथ में लिया, स्मोक लिया और यहाँ पे स्मोक वो कुक कर रहा है, मैं कहीं पे भी फायर वाले पे क्लिक नहीं कर रहा हूँ। तो हमेशा इसको करना आप लोग स्विच पे थ्रो नहीं करेगा जब तक आप लोग फायर पे क्लिक नहीं करोगे, ठीक है। यहाँ पे आप लोग सेलेक्ट कर लोगे, सेलेक्ट करने के बाद इस पे फायर वाले पे क्लिक करके आप लोग थ्रो कर दोगे। तो जो सेटिंग मैंने आपको बताई है वही रखना, आप लोग स्विच पे रखना। उसके बाद ऑटो जंप एक न्यू सेटिंग है ये सेटिंग। उसके बाद टैप द स्क्रीन द मार्क लोकेशन, जो इस पे न्यू लिखा हुआ है इस सेटिंग के बारे में। उसके बाद यहाँ पे मेन स्क्रीन ऑडियो मार्कर और ऑटो मार्क हिट लोकेशन, जितने भी न्यू सेटिंग है ये सब क्लासिक में ही आपको समझ में आएंगी, तो अभी बस इन सेटिंग के बारे में जान लो। उसके बाद लास्ट में वीडियो के एंड में आपको इन सेटिंग के बारे में बता दूंगा क्लासिक में चल के। अगर आपको सिर्फ न्यू सेटिंग के बारे में पता करना है तो आप लोग वीडियो को स्किप भी करके देख सकते हो, जिससे आपको डायरेक्टली इन सेटिंग के बारे में पता चल जाएगा। लेकिन मैं आपको पहले और सेटिंग के बारे में बताऊंगा, उसके बाद वीडियो के एंड में क्लासिक में चल के आपको इन सेटिंग के बारे में बताऊंगा इन सेटिंग से क्या होगा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, उसके बाद मिल जाता है आपको थ्रो कंज्यूमेबल्स। जैसे कि आप लोग जानते कि अभी आप लोग फर्स्ट एड स्टेट फेंक पाते हो, तो अगर आप इसको कर दोगे डिसेबल तो आप लोग फर्स्ट एड स्टेट नहीं फेंक पाओगे, किसी को भी थ्रो नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कहीं पे भी थ्रो का ऑप्शन नहीं हो रहा है, ठीक है, राइट साइड थ्रो का ऑप्शन आता है, यहाँ पे सेलेक्ट करने का ऑप्शन नहीं आ रहा है, और मेरे पास आप लोग देख सकते हो सब कुछ है। लेकिन अगर मैं उसको कर देता हूँ वहाँ पे जाके इनेबल, अभी डिसेबल है तो इसको करते हैं इनेबल। तो यहाँ पे डिसेबल है, इसको इनेबल कर दिया। इनेबल करने के बाद आप लोग राइट साइड जहाँ पे नेड वेड का ऑप्शन होता है वहाँ पे थ्रो करने का ऑप्शन आ चुका है, जिससे आप लोग टीममेट्स को यहाँ पे थ्रो करके जो भी अपने फर्स्ट एड होते हैं और जो भी आपका कंज्यूमर्स होते हैं वो आप लोग फेंक के उसको दे देते हो फर्स्ट एड, ठीक है। तो हमेशा आप लोग इसको इनेबल रखना, डिसेबल मत करना। आप लोग अगर डिसेबल कर दोगे तो आप लोग फेंक नहीं पाओगे, किसी को भी फर्स्ट एड थ्रो नहीं कर पाओगे, तो इसको इनेबल रखना। इसके बाद ट्रांसपेरेंट यूआई मोड, ट्रांसपेरेंट यूआई मोड बहुत ही सिंपल है, इस पर क्लिक करके आप लोग भी जान सकते हो कि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क जो बना हुआ है इस पर क्लिक करते हो और देखते हैं कि इसमें क्या है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो जहाँ पे बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया लिखा होता है, बिजमाई लिखा होता है, अगर आप लोग उस पर थोड़ी देर के लिए प्रेस करोगे तो आपके जितने भी कंट्रोल्स हैं, मैप है, सब कुछ यहाँ पे हाइड हो जाएगा और आप लोग स्क्रीन रिकॉर्ड कर सकते हो और आप लोग चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। तो आप लोग अगर कंट्रोल्स को हाइड करना है तो आप लोग थोड़ी देर के लिए उस पर प्रेस करना, आपके कंट्रोल्स हाइड हो जाएंगे, किल फीड जितने भी चीज़ होती है सब कुछ हाइड हो जाएगा और आप लोग यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हो, वीडियो बना सकते हो, ठीक है। तो आप लोग इसको इनेबल कर सकते हो तो आप लोग क्लासिक में यूज कर पाओगे, अगर इसको डिसेबल कर दोगे तो क्लासिक में यूज नहीं कर पाओगे। उसके बाद यहाँ पे स्लाइड अरीना, इसके बारे में आपको पता ही है, अरेना में आप लोग स्लाइड करते हो तो डिसेबल हो जाएगा, तो आप लोग स्लाइड नहीं कर पाओगे, इनेबल रखोगे तो स्लाइड कर पाओगे टीडीएम के अंदर। उसके बाद एफपीपी स्वाइप, इसके बारे में आपको बता देता हूँ, स्वाइप को इनेबल रखने पर क्या होगा। इनेबल करने पर आप लोग देख सकते हो मेरा अभी टीपीपी में खेल रहा हूँ और यहाँ पे राइट में ऑप्शन आ रहा है एफपीपी का, एफपीपी कर सकता हूँ, उसके बाद टीपीपी कर सकता हूँ, ठीक है। तो अगर मैं कर देता हूँ इसको डिसेबल, डिसेबल करने के बाद क्या होगा, वो ऑप्शन ही गायब हो जाएगा यहाँ से एफपीपी और टीपीपी करने वाला। तो अगर आपके में नहीं दिख रहा है तो आप लोग इसको इनेबल कर लेना, आपके में दिखने लगेगा। उसके बाद एफपीपी डायनेमिक होल्डिंग, इसके बारे में बहुत कम लोगों को पता है, ये मेरा डिसेबल है, आप लोग इसको इनेबल भी रख सकते हो, डिसेबल भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसको मैं आपको समझा देता हूँ कि होता क्या है। अभी डिसेबल है, डिसेबल पे एफपीपी करके मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो जो मेरा M4 है वो बिल्कुल ऊपर दिख रहा है और फायर करने पे भी ऊपर ही रह रहा है, कहीं नीचे ऊपर नहीं हो रहा है, एक ही जगह पे है। लेकिन अगर
मैं इसको डायनेमिक होल्डिंग कर देता हूँ तो वो मैं आपको दिखाता हूँ, बहुत ही गजब का दिखता है। तो यहाँ पे इनेबल कर देते हैं इसको। इनेबल करने के बाद आप लोग देख सकते हो M4 बिल्कुल नीचे जा चुके हैं, और जैसे फायर करोगे M4 ऊपर आ जाएगी, और जैसे आप लोग फायर रोक दोगे M4 ऑटोमेटिक थोड़ी देर में नीचे चली जाएगी। ठीक है, तो ऊपर नीचे होती है गन, आप लोग इसको इनेबल डिसेबल कर सकते हो, कुछ भी इससे प्रॉब्लम नहीं होगी, बहुत ही अच्छा दिखता है। उसके बाद थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव कैमरा व्यू, ये 80 पे सेट है। तो 80 पे आप लोग देख सकते हो जो मेरा कैरेक्टर है वो इतना ही दिख रहा है। अगर मैं कर देता हूँ इसको 90, तो यहाँ पे 90 करके मैं आपको दिखाता हूँ, इसको प्लस करते पहले, तो यहाँ पे पूरा 90 कर देते हैं। 90 करने के बाद आप लोग देख सकते हो जो मेरा कैरेक्टर है वो आईपैड जैसा दिख रहा है, पूरा नीचे तक दिख रहा है। ठीक है, पैर तक आप लोग देख सकते हो, नीचे भी दिख रहा है, एंड यहाँ पे पूरा आधे से ज़्यादा दिखने लगा। ठीक है, अगर मैं इसको फिर से 80 कर दूंगा तो जो कैरेक्टर है वो फिर से आधा दिखने लगेगा, जैसे कि मोबाइल में दिखता है वैसे दिखेगा, ऐसे आईपैड भी आप लोग कर सकते हो। इसके बाद स्प्रिंट सेंसिटिविटी, ये आपकी ये जो जॉयस्टिक है ना इसकी सेंसिटिविटी है। अगर आपका जॉयस्टिक जो अटकता है फ्रीज होता है तो इसको 100 रखना, कभी भी कम मत करना। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो मेरा 100 है, अगर मैं इसको कर देता हूँ पे बिल्कुल जीरो, तो जॉयस्टिक आप लोग देख सकते हो मैं कितनी तेज मूव कर रहा हूं, जैसे कि लेफ्ट राइट कर रहा हूं, आप लोग देख सकते हो मैं लेफ्ट राइट कर रहा हूं, लेकिन जो कैरेक्टर वो कितना स्लो चल रहा है बोट की तरह। तो कभी कभी आपका कैरेक्टर बोट की तरह चलने लगता है, तो हो सकता है कि आपकी सेटिंग यहां पे जीरो हो गई हो, जिसको आप लोग फिर से बढ़ा लेना, बिल्कुल 100 तक बढ़ा लेना आप लोग। तो यहां पे स्क्रीन थोड़ी सी वर्क नहीं कर रही, इसको फुल कर देते हैं। फुल करने के बाद क्या होगा ये देखो, फुल करने के बाद जॉयस्टिक तेजी से वर्क करने लगेगा, तो आप लोग इसको हमेशा 100 ही रखना, जितना हो सके फुल ही रखना, कम मत करना। उसके बाद फर्स्ट पर्सन कैमरा पर्सपेक्टिव, तो ये भी 80 आप लोग रखना, इसको 90 मत करना, बहुत प्रॉब्लम होती है। ये भी सेम चीज है, जैसे कि थर्ड पर्सन में काम करता है वैसे कि फर्स्ट पर्सन में भी काम करता है। इसके बाद आते हैं असिस्ट फीचर में, तो ऐसे फीचर में आपको मिल जाता है सबसे पहले एम असिस्ट, इसको हमेशा इनेबल रखना। इनेबल रखने पे क्या होगा, जैसे कि सामने बंदा है, आप लोग उसके लेफ्ट टू राइट हल्का सा भी फायर करोगे तो उस पर एम चला जाएगा। ठीक है, जो ऑटोमेटिक एम होता है वही लगेगा, तो आप लोग हमेशा इसको इनेबल रखोगे तो ज़्यादा किल होंगे आपके। अगर आप लोग इसको डिसेबल कर दोगे तो आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, लेकिन आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। जब आप लोग इनेबल करोगे उसके बाद तो भाई बहुत ही तगड़ा मारोगे। तो चाहो आप लोग TDM में इसको डिसेबल करके प्रैक्टिस कर सकते हो, और क्लासिक में इनेबल करके बंदों को पेल सकते हो अच्छे से। इसके बाद यहाँ पे जो न्यू सेटिंग है वो दिख रही है, तो इनको मैं वीडियो के एंड में बताऊंगा। तो आप लोग चाहो अगर सिर्फ न्यू सेटिंग के बारे में जानना है तो वीडियो को स्किप करके देख लो, आपको पता चल जाएगा। और अगर आपको सभी सेटिंग के बारे में जानना है तो यहाँ पे आप लोग वीडियो को एंजॉय करते रहो, आपको पता चल जाएगा क्या क्या होता है। उसके बाद आती है हीलिंग प्रमोट, तो हीलिंग प्रमोट हमेशा आपको इसको रखना है इनेबल। इनेबल रखने पर क्या होगा, जैसे कि आप लोग जोन के बाहर घूम रहे हो या फिर आपको किसी भी एनिमी ने हिट किया और आपकी 1 HP है, तो आपके जो हीलिंग वाले यहाँ पे ऑप्शन होते हैं, अगर आपको लेना है यहाँ पे फर्स्ट एड, आपकी 1 HP है तो आप लोग पहले फर्स्ट एड लोगे, तो फर्स्ट एड सबसे ऊपर आ जाएगी ऑटोमेटिकली। ठीक है, आप लोग जोन के बाहर हो, 1 HP हो, तो फर्स्ट एड यहाँ पे लेनी नहीं पड़ेगी, आपकी सबसे ऊपर दिखेगी और आप लोग डायरेक्टली क्लिक करोगे यहाँ पे फर्स्ट एड लेने लगेगा। जैसे कि बैंडेड सेट होती है कभी कभी, कभी कभी आपके ड्रिंक सेट होती है, तो वो ऑटोमेटिक आपके हिसाब से जैसे आपकी HP है उस हिसाब से आपको सप्लाई करेगा आपको क्या लेना चाहिए इस समय। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग इसको हमेशा इनेबल रखना, कभी भी डिसेबल मत करना। इसके बाद कंटिन्यू यूज बैंडेड, तो आप लोग इसको हमेशा इनेबल रखना, डिसेबल करने पे थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, इनेबल करने पे थोड़ा सा एडवांटेज मिलता है। तो मान लीजिए आपकी 1 HP आप लोग बैंडेज लगाना चाह रहे हो, तो जैसे कि आप लोग जानते हैं एक बैंडेज लगाते हो, उसके बाद फिर आपको बैंडेज पे क्लिक करना पड़ता है, फिर आपको बैंडेज पे क्लिक करना पड़ता है, जब तक आपकी 70% हेल्थ नहीं हो जाती है, तो आपको बार बार बैंडेज पे क्लिक करना पड़ता है। लेकिन अगर आप इसको इनेबल कर देते हो तो आपको बैंडेज पे बार बार क्लिक नहीं करना पड़ेगा। इनेबल करने के बाद आपकी जो बैंडेज है वो ऑटोमेटिक एक बार क्लिक करो वो लेता रहेगा, जब तक आपकी HP 70% नहीं हो जाएगी, 75% नहीं हो जाएगी। आपकी जैसी 70% आपकी HP हो जाएगी उसके बाद बैंडेज लेना बंद कर देगा, उसके बाद बैंडेज नहीं लेगा। ठीक है, एक ही बार आपको क्लिक करना पड़ेगा, और अगर आप उसको कैंसिल करना चाहते हो तो कैंसिल भी कर सकते हो। तो आप लोग इसको इनेबल रखना, बहुत ही अच्छी सेटिंग है। उसके बाद आता है ऑटो ओपन डोर, इसके बारे में आपको पता है, इनेबल रखोगे जो आपका डोर है वो ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा, डिसेबल कर दोगे तो आपको ओपन करना पड़ेगा, फिर बंद करना पड़ेगा, फिर बंद करना पड़ेगा, फिर ओपन करना पड़ेगा। तो इनेबल रखना, बहुत ही अच्छी सेटिंग है। उसके बाद आती है ब्लॉक साइड वार्निंग, ये सबसे ऊपर दिखता था पहले, अब सबसे नीचे यहाँ पे कर दिया गया। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे इनेबल है। इनेबल रखने पे क्या होगा मैं आपको दिखा देता हूँ। तो जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ पे आ चुका हूँ इसके पास, पहले मैं ये कैंडिड साइड बटन हटा देता हूँ, इससे थोड़ी सी मुझे इरिटेशन होती है। तो यहाँ पे मैं आ चुका हूँ, जो मेरा क्रॉस एयर है वो दिख रहा है अभी आप लोग देख सकते हैं क्रॉस एयर दिख रहा है, और मैं फायर करूंगा तो आगे फायर जाएंगे। लेकिन अगर मैं आ जाता हूँ थोड़ा सा लेफ्ट और यहाँ इसके पास, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो जो मेरा क्रॉस एयर है वो गायब हो चुका है और यहाँ पे रेड मार्क आ चुका है, मतलब कि जितने भी आप फायर करोगे वो सब इसी में लड़ जाएंगे और आगे नहीं जाएंगे। तो ये खुद ही आपको बता देता है आप लोग जहां पे एम लग के रखे हुए वहां पे नीचे फायर जा रहा है, उस पे फायर नहीं जा रहा है। तो ये खुद ही आपको बता देगा कि आप लोग यहां पे मत रहिए, यहां पे फायर मत करिए। जैसे कि आप लोग यहां पे देख सकते हो थोड़ा सा लेफ्ट आया तो क्रॉस एयर दिख रहा है, जैसे राइट आया तो यहां पे फिर से रेड मार्क आ रहा है, और
जैसे मैं थोड़ा सा बाहर आऊंगा दिखने लगेगा और थोड़ा सा ही अंदर आऊंगा फिर से यहाँ पे रेड मार्क आ जाएगा, मतलब कि जो फायर है वो पूरे के पूरे नीचे जा रहे हैं, वेस्ट जा रहे हैं। तो हमेशा इसको इनेबल रखना बहुत ही अच्छी सेटिंग है। मैं यहाँ पे इनेबल कर देता हूँ, इनेबल यहाँ पे है, और उसके बाद अगर डिसेबल कर दूंगा तो दोनों जगह पे दिखेगा आपका फायर, आपको लगेगा सामने जा रहा है और यहाँ पे नीचे फायर जा रहा है, लेकिन आपको तो लगेगा कि सामने जा रहा है, ठीक है, लेकिन जो आपका फायर है वो नीचे जा रहा है। तो हमेशा उसको इनेबल रखना, मैं इनेबल कर देता हूँ नहीं तो भूल जाऊंगा। इनेबल करने के बाद डिफॉल्ट पैराशूट फॉलो, इसके बारे में भाई सबको पता है, जब से ये सेटिंग आई है सब लोग आप लोग जान ही चुके हो कि आप लोग अगर एक गेम में किसी को फॉलो कर लेते हो उसके बाद सेकंड गेम में अगर आपके साथ वो बंदा खेल रहा है तो ऑटोमेटिकली आप लोग फॉलो कर दोगे अगर ये इनेबल है ये वाली सेटिंग। उसके बाद यहाँ पे आता है जायरोस्कोप, जायरोस्कोप ऑलवेज ऑन रखना अगर आप लोग यूज करना चाहते हो। भाई आपको पता ही है जायरोस्कोप के बारे में, तो सभी को पता है कि ऐसे भी काम करता है और उसके बाद फायर करने पे कंट्रोल भी कर सकते हो और चाहो तो आप लोग ऐसे भी कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है। तो बहुत ही अच्छी सेटिंग है, जायरोस्कोप ऑन पे आप लोग यूज करिए, अगर नहीं यूज करते तो यूज करके देखिए, बहुत ही अच्छी सेटिंग है। स्कोप ऑन पे कर दोगे तो ऐसे वर्क नहीं करेगा जायरोस्कोप, फोन को नीचे ऊपर कर रहा हूँ कहीं पे भी वर्क नहीं कर रहा है, और यहाँ पे मैं स्कोप को ओपन करूंगा फोन को नीचे ऊपर करूंगा तो यहाँ पे स्कोप जायरोस्कोप वर्क कर रहा है, ठीक है। तो आप लोग इसको हमेशा ऑलवेज ऑन करके यूज करना, बहुत ही अच्छी सेटिंग है। उसके बाद आती है जायरोस्कोप रिवर्स, तो जायरोस्कोप रिवर्स में क्या होगा, जैसे कि अभी देख सकते हैं आप लोग मैं ऊपर को ले जा रहा हूँ ऊपर को जा रहा है, नीचे को ले जा रहा हूँ नीचे को जा रहा है, लेकिन अगर मैं इसको कर देता हूँ इनेबल, इनेबल करने के बाद ऊपर ले जाऊंगा नीचे जाएगा और नीचे ले जाऊंगा तो ऊपर जाएगा, मतलब कि रिवर्स सेटिंग काम करने लगती है, रिवर्स वाला जायरोस्कोप काम करने लगता है। तो इसको डिसेबल ही कर देते कोई मतलब नहीं है इसका। एम फीचर को तो भाई मुझे लगता है 99% लोग यूज नहीं करते होंगे, तो यहाँ पे मेरा भी डिसेबल है। डिसेबल करने पे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कोई भी कंट्रोल नहीं दिख रहा है, लेकिन अगर मैं इसको कर देता हूँ इनेबल, इनेबल करने के बाद एक कंट्रोल ऐड हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये वाली सेटिंग आ चुकी है, ठीक है, जो कि आपके एम फीचर है। एम फीचर में क्या होगा, आप लोग जैसे इस पे क्लिक करोगे आप लोग देख सकते हो कैमरा कैसे आगे जा चुका है, ठीक है, और जैसे फिर से हटा दोगे फिर से वो बंद हो जाएगा, ठीक है। तो इस पे क्लिक करते आगे चला जाएगा और आप लोग जो कैरेक्टर आपका वो भी स्लो मूव करेगा लेफ्ट टू राइट, और आप लोग फायर भी कर सकते हो चाहो तो, आप लोग ऐसे भी फायर कर सकते हो, ऐसे किया उसके बाद फायर कर सकते हो आप लोग ऐसे यहाँ पे ऑटो कर लेते हैं, उसके बाद आप लोग देख सकते हो ऐसे फायर ले रहा है। तो बहुत ही घटिया सेटिंग है, मैं तो कभी भी नहीं यूज़ करता और मैं आपको भी बोलूँगा आप लोग इसको कभी भी यूज़ मत करना, हमेशा डिसेबल रखना, बहुत ही घटिया सेटिंग है। अभी तक मुझे लगता है बहुत कम ही लोग यूज़ करते हैं। तो ये आपके एडवांस कंट्रोल थे जो कि मैंने आपको बता दिए। अभी मैं इसके बाद प्राइवेसी सेटिंग बता देता हूँ, उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ जो सेटिंग्स ऐड हुई हैं। तो यहाँ पे प्राइवेसी सेटिंग में चलते हैं, तो आप लोग देख सकते हो सबसे पहले इन गेम लाइक फीचर, जो आप लोग लाइक करते हो इन गेम, इनेबल रखना, डिसेबल मत करना, बहुत ही अच्छा है। उसके बाद प्ले इमोट, इनेबल रखोगे तो यहाँ से आप लोग इमोट वाला जो ये दिख रहा है ना ये दिखता रहेगा आपको, मैं गेम में भी और क्लासिक मोड में भी, और आप लोग लॉबी में भी कर सकते हो। और अगर आप लोग यहाँ पे क्लासिक में नहीं करना चाहते हो ये वाला इमोट, तो आप लोग प्राइवेसी में जाओ उसके बाद डिसेबल कर दो, आपको क्लासिक में भी देखने को नहीं मिलेगा। आप लोग देख सकते हो राइट में इमोट वाला ऑप्शन जा चुका है, तो आप लोग इसको डिसेबल मत रखना, इनेबल रखना। अगर आप लोग चढ़ना चाहते हो इमोट क्लासिक में तो आप लोग इसको इनेबल कर देना, इनेबल मेरा रहना चाहिए। और उसके बाद यहाँ पे स्पॉन आइलैंड ब्रॉडकास्ट, भाई इसको डिसेबल कर देना, जो लड़की आती है ना क्लासिक में और टीडीएम में चिल्लाती है, अगर उसको आपको चुप कराना है तो यहाँ पे डिसेबल कर दो, चुप हो जाएगी फिर नहीं बोलेगी, डिसेबल कर देना, डिसेबल बेस्ट है। सो अदर प्लेयर कंपेनियन, डिसेबल इनेबल जो आप लोग चाहो कर सकते हो, शो योर ओन कंपेनियन, ठीक है, टीपीपी में आप लोग डिसेबल इनेबल कर सकते हो, एपीपी में डिसेबल इनेबल कर सकते हो, जो आपका कंपेनियन होता है वो आपको शो करवाना है या फिर शो करना है, खुद को आपको देखना है या फिर नहीं, आप लोग जैसा चाहो कर सकते हो, आपको भी नहीं दिखेगा अगर आप इसको डिसेबल कर दोगे, आपको खुद को वाला कंपेनियन नहीं दिखेगा जो आपके पास है, अगर इसको इनेबल कर दोगे आपको कंपेनियन दिखने लगेगा, आप लोग चाहो तो इसको डिसेबल भी कर सकते हो। उसके बाद कनेक्शन, तो अलाउ अदर टू सी योर रिजल्ट, जो आपका रिजल्ट होता है क्या रिजल्ट होता है उसका अगर आप लोग डिसेबल करना चाहते हो, किसी को नहीं दिखाना चाहते हो तो डिसेबल कर दो। उसके बाद शो आउटफिट, शो आउटफिट जो आपकी आउटफिट्स होती है प्रोफाइल में आप लोग पहन के रखते हो, उस आउटफिट का अगर आपको शो नहीं कराना है तो इसको डिसेबल कर दो, आउटफिट शो नहीं होगी। उसके बाद अलाउ अदर टू सी योर पॉपुलैरिटी, पॉपुलैरिटी अगर आपको शो नहीं करानी है तो डिसेबल यहीं से कर सकते हो आप लोग, यहाँ से डिसेबल हो जाएगी, पॉपुलैरिटी शो नहीं होगी। उसके बाद यहाँ पे अलाउ स्पेक्टेटर्स, जैसे कि आप लोग कभी कभी देखते हैं कि कोई आपको देख रहा होता है, तो आप लोग चाहो तो इसको डिसेबल कर दो, कोई आपको नहीं देख पाएगा, स्पेक्टेट नहीं कर पाएगा, तो आप लोग इसको डिसेबल कर दोगे तो कोई भी आपको नहीं देख पाएगा आप लोग क्या गेम खेल रहे हैं, और आप लोग इसको इनेबल कर दोगे तो सब कोई आपको स्पेक्टेट कर सकता है जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं। यहाँ पे अलाउ फ्रेंड टू फॉलोअर चेयर पैक, चेयर पैक में जाना चाहते हो आप लोग, चेयर पैक में हो उसमें आपके फ्रेंड्स आ जाते हैं, अगर इसको डिसेबल कर दोगे तो वो नहीं आ पाएंगे, अगर आप इसको इनेबल रखोगे तो आपके साथ वो लोग आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद अलाउ स्ट्रेंजर फॉलोअर चेयर पैक, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जहाँ पे फ्रेंड्स आपके ऐड नहीं होते चेयर पैक में बहुत सारे लोग होते हैं, यहाँ पे अगर आप इसको इनेबल कर दोगे तो चेयर पैक में कोई भी आपको फॉलो करके आपके पास पहुंच सकता है, आप लोग चेयर पैक में कहीं पे भी हो, तो आप लोग इसको इनेबल मत रखना, डिसेबल रखना, तो आपकी थोड़ी सी प्राइवेसी बनी रहेगी, आप लोग कहीं पे भी चेयर पैक में किसी के साथ भी तो आपको कोई फॉलो
नहीं कर पाएगा। उसके बाद यहाँ पे इनेबल डिसेबल क्विक ड्रॉ इनवाइट, जो आपका क्विक ड्रॉ इनवाइट होता है इसको आप लोग डिसेबल कर दोगे तो कोई भी आपको इनवाइट नहीं भेज पाएगा। अलाउ रिसीव रेडियो मैसेज, आप लोग इसको इनेबल रखना, कोई दिक्कत नहीं है। डिस्प्ले माई इन्फॉर्मेशन ऑन माई फ्रेंड सीजन रैंकिंग, आपकी जो सीजन रैंकिंग होती है वो आप लोग शो कराना चाहते हो या फिर अपने फ्रेंड्स को, ये भी आप लोग कर सकते हो यहाँ पे इनेबल डिसेबल। उसके बाद अलाउ पुश नोटिफिकेशन एट नाइट, नाइट को जो आपके पास नोटिफिकेशन होती है उसको आप लोग यहाँ पे डिसेबल कर सकते हो जिससे आपके नोटिफिकेशन नहीं गए। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि बीजेएमआई की नोटिफिकेशन आती रहती है तो नाइट में आपके पास कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आएगी, आप लोग यहाँ से डिसेबल कर सकते हो, आपके पास कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आएगी। उसके बाद ये सारी सेटिंग्स मैंने आपको बता दी है। अब मैं आपको बताती हूँ जो चार सेटिंग्स ऐड हुई हैं अपने यहाँ पे कंट्रोल्स में, एडवांस कंट्रोल में, इनके बारे में आपको बता देता हूँ। जिसमें आपको क्लासिक में चलना होगा वहीं पे ही सेटिंग के बारे में आप लोग समझ पाओगे। तो सबसे पहली आती है ऑटो जंप। ऑटो जंप में क्या होता है ये मैं आपको दिखा देता हूँ। तो लेफ्ट साइड आप लोग देख सकते हैं कोई भी ऑप्शन नहीं दिख रहा है जंप के अलावा, लेकिन हम लोग सेटिंग में चलते हैं और वहां पे इसको इनेबल करते हैं ऑटो जंप को, तो एक ऑटो जंप का ऑप्शन आ जाएगा जो कि आप लोग यहां पे देख सकते हैं। तो आप लोग जहां पे भी मार करोगे वहां पे ऑटोमेटिकली जंप करा देगा, आपको जॉयस्टिक से ले जाने की जरूरत नहीं है, आप लोग ऑटोमेटिकली वहां तक चले जाओगे। लेकिन गाइस थोड़ा सा स्लो जाओगे तो आप लोग इसको हॉट ड्रॉप पे यूज मत करना, थोड़ा सा दूर जाना है तो आप लोग यूज कर सकते हो। तो समझ में आ गया ऑटो जंप में ऐसे वर्क करेगा। उसके बाद आती है टैप द स्क्रीन टू मार्क द लोकेशन, ठीक है। तो इसका आप लोग इनेबल रखोगे तो क्या होगा मैं आपको दिखा दूंगा, उसके बाद डिसेबल करने पे क्या होगा ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं एक क्वेश्चन मार्क दिख रहा है तो इस पर क्लिक करके पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे व्हेन इनेबल यू कैन टैप द स्क्रीन डायरेक्टली मार्क द लोकेशन ड्यूरिंग द फ्लाइट एंड जंप फेसेस। तो जो आप लोग जंप कर रहे होंगे या फिर फ्लाइट में होंगे तो आप लोग डायरेक्टली मार्क कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मेन स्क्रीन पर मैं क्लिक कर रहा हूँ लेकिन कहीं पर भी मार्क नहीं हो रहा है, लेकिन अभी वहाँ पे डिसेबल है तो उसको इनेबल करते हैं। तो इनेबल कर दिया है मैंने, और इनेबल करने के बाद क्या होगा आप लोग देख सकते हैं कि मैं डायरेक्टली क्लिक कर रहा हूँ, कहीं पर भी मिनी वाला मैप ओपन नहीं कर रहा हूँ और डायरेक्टली स्क्रीन पर क्लिक कर रहा हूँ। स्क्रीन पर क्लिक करने पर मार्क हुआ जा रहा है, ठीक है। तो आप लोग स्क्रीन पे क्लिक करेंगे और मार्क हो जाएगा। समझ में आ गया क्या होता है इस सेटिंग से। उसके बाद चलते हैं नीचे वाली सेटिंग में। तो यहां पे आप लोग देख सकते हो मेन स्क्रीन ऑडियो मार्कर, तो इस सेटिंग से क्या होगा वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। तो चलिए भी देख लेते हैं कि इस सेटिंग से क्या होगा। तो आप लोग देख सकते हैं जो मिनी मैप है वहाँ पे तो फायर वाला दिख रहा है, लेकिन जो बंदा है यहाँ पे फायर कर रहा है बिल्कुल बगल में, लेकिन जो मेन स्क्रीन है वहाँ पे कहीं पे भी कोई आइकन नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पे अभी डिसेबल है, इसको इनेबल करते हैं। इनेबल करने के बाद क्या होगा वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो थोड़ा सा इसके पास चलते हैं, अभी ये फायर नहीं कर रहा है, थोड़ा सा आगे चलते हैं। जैसे ही फायर करेगा तो आप लोग देख सकते हैं जैसे इसके पास मैं पहुँच रहा हूँ वैसे वैसे जो आइकन है वो यहाँ पे डार्क दिख रहा है, ठीक है। फायर कहाँ से आ रहा है ये पता चल जाए। मेन स्क्रीन पे जो मिनी मैप होता है वहाँ पे तो दिख ही रहा है, उसके साथ साथ मेन स्क्रीन पे एक आइकन दिख रहा है जो कि दिखा रहा है कि दो एनिमीज हैं, और यहां पे गाड़ी का भी आइकन ऐसे ही शो होगा, और भी चीजें आपको ऐसे ही पता चल जाएंगी अगर आप इसको इनेबल कर देते हो। तो समझ में आ गया इस सेटिंग से क्या होगा। उसके बाद आती है यहां पे ऑटो मार्क हिट लोकेशन, इस सेटिंग से क्या होगा ये भी मैं आपको दिखा देता हूं। तो आप लोग जब किसी को मारोगे तो एक हिट लोकेशन होगी, मतलब कि आपके टीममेट्स को पता चल जाएगा आपने कितनी दूरी पे बंदा मारा है और आपको भी पता चल जाएगा। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं मैं इसको मार रहा हूँ और जैसे ही हिट कर रहा हूँ 8 मीटर पे यहाँ पे दिखा रहा है, ठीक है, एक मार्क हुआ जा रहा है। ऐसे ही मार्क, ये वाला मार्क आपको भी दिखेगा, आपके टीममेट्स को भी दिखेगा, ठीक है। इससे आप लोगों को पता चल जाएगा कितनी दूर आपने मारा है और कहाँ पे मारा है। एग्जैक्ट एनिमीज का हेड जैसे होता है वैसे ही वर्क करेगा, ठीक है। तो मार्क लोकेशन है, जैसे आप लोग किसी को हिट करेंगे वैसे ही वहाँ पे मार्क हो जाएगा। ये सेटिंग ऐसे वर्क करती है। तो भाई लोग मैंने आपको सभी सेटिंग्स के बारे में बता दिया है, किस सेटिंग को ऑफ रखना चाहिए, किस सेटिंग को ऑन रखना चाहिए, और आपको आई होप समझ में आ भी गया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट करके पूछिए, मैं जरूर रिप्लाई करूंगा या फिर एक वीडियो बना के आपको समझा दूंगा। तो अगर कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। एंड गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो पे एक लाइक कर दो। अभी तक अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर प्रेस कर देना, तभी आपके पास आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचेगी और आपसे कोई भी अपडेट या वीडियो मिस नहीं होगी। थैंक यू सो मच गाइस, तो आपको नेक्स्ट वीडियो में लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय। अब अगर तुम लोग उन खूबसूरत प्राणी में से एक हो जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो यार सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर विमल थूको या रजनीकंदा, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। बाय।